अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुछ भी सीखो विद तनवीर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 6 मंथ बेबी गर्ल के लिए फ्रॉक की डिज़ाइन। ये फ्रॉक बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। अगर आप ये फ्रॉक बनाना चाहती हैं तो देखिए, इस चोली का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर लें। ये देखिए, ये फ्रॉक को थोड़ा करीब से आप देख लीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए, इसमें हमने फ्लावर बनाया है और ये देखिए नीचे, देखिए इसको हमने ऐसे डिज़ाइन किया है। इसको देखो, हमने उठा के हाथों पे आपको दिखा दिया कि जिससे आपको डिज़ाइन कंप्लीट दिखाई पड़े। आप पूरी डिज़ाइन इसकी देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोगों को ये फ्रॉक की डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक दें कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये चोली के नीचे से हम बनाएंगे और हम इस रंग से घेरा बनाएंगे। ये देखिए, हम यहाँ इस साइड से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए, हम पहले एक फंदा निकालेंगे और 3 चैन बनाएंगे। इसी चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन, एक दो और दो डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम 2 चैन बनाएंगे, सॉरी हम ये भूल गए हैं, 2 चैन बनाएंगे, उसके बाद हमें एक सिल्स बनाना है। 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन स्किप करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम भूल गए हैं, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 चैन बीच में बनाना है और इसको हमने बाद में सही किया, लेकिन वीडियो हम और हम भूल गए इसको बनाने के लिए। फिर 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन स्किप करें, 1 2, तीसरे में 1 सिल्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम भूल गए, यहाँ 1 सिल्स बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, सेम उसी चैन में बनेगा। फिर 2 चैन बनाएंगे और ये देखिए पूरा रो इसी तरह हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए 2 चैन बना के लास्ट में हमने देखो तीसरे चैन से इसे हम स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। फिर अब यहाँ 3 चैन बनाएंगे बगल वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, 1 डबल क्रोशिया और 2 चैन स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया। अब ये दोनों सिल्क पे 2 डबल क्रोशिया है इधर की तरफ, दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ 2 चैन बनाएंगे, 1 2, अब इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, दोनों सेल्स पे हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 चैन स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, फिर ये दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। इस तरह बनेगा दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर ये देखिए दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, पहले इस पे 1 डबल क्रोशिया, अब इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर अब 2 चैन स्पेस में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर 2 चैन स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया उस साइड हो जाएंगे, 3 इस साइड हो जाएंगे। पूरा रो इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको हम तीसरे चैन से यहाँ स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। अब देखिए इसमें भी 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसमें भी 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे और 2 चैन स्पेस में भी 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ हम 3 चैन बना के, ये देखिए 3 चैन बनाएंगे और इसमें 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन
और दो डबल क्रोशिया, यानी यहाँ पर हम एक सिल्च बनाएंगे, तीन चैन को काउंट करेंगे तो हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। तो दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया, यानी ये हमारा एक सिल्च बन गया। अब यहाँ पे हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, और इसमें दो चैन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर दो चैन, फिर तीन चैन बनाएंगे, और देखिए अब इस ये दो चैन स्पेस में फिर वही एक सिल्च बनाएंगे। एक सिल्च बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन बनाएंगे। अब ये वाले दो चैन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन बनाएंगे, और देखिए ये दो चैन स्पेस में, इसमें जो डिज़ाइन के ऊपर दो चैन स्पेस है, देखिए ऐसे ही हमें पूरा बनाना है। इसमें एक सिल्च बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे, तीन चैन बनाएंगे, दो चैन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन बनाएंगे, और इसमें दो चैन स्पेस में एक सिल्च बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया, पूरा रो इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रो पूरा कंप्लीट हो गया, ये देखिए रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखें यहाँ पर हम देखिए, फिर इसको हम यहाँ स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ हम तीन चैन बनाएंगे, अब इसके बगल वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अब ये दो चैन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया, इसमें हमें यही बनाना है, एक डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया। अब दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे। अब देखिए इस वाले सेल्स के ऊपर अब बनाएंगे, बीच में हमें कुछ नहीं बनाना, इस वाले सेल पे अब दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, पहले इस वाले डबल क्रोशिया ऊपर चैन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे बन के आया, फिर इस वाले चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब दो चैन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया, एक, अब दो चैन, फिर सेम इसी दो चैन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, अब फिर दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक इस पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर दो चैन बनाएंगे। अब इस वाले चैन पर यहाँ बीच में हम नहीं बनाएंगे, यहाँ देखिए इस पे सिल्च के ऊपर बनाएंगे, दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे, और फिर एक डबल क्रोशिया, दो चैन स्पेस में, फिर दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे, दो चैन बनाएंगे, फिर यहाँ देखिए इस सिल्च के ऊपर दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ दो चैन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया, पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ इसमें हम एक सिल्च बना लेंगे,
दो चैन स्पेस में एक सेल्स बना लेंगे। अब तीन चैन बनाएंगे। ये देखिए दो चैन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन बनाएंगे। फिर इस दो चैन स्पेस में एक सिल्स बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया। ये हमें रिपीट कर करके इसी तरह बनाना है। ये दो रो की डिज़ाइन है, दो रो में डिज़ाइन कंप्लीट होती है। एक रो में सिल्स बनाना है, एक रो में हमें सिल्स के दोनों डबल क्रोशिया पे एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, और दो चैन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल, एक डबल क्रोशिया। इसी तरह बना के ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। अब तीन चैन बना के दो चैन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन बनाएंगे। अब ये दो चैन स्पेस में एक सिल्स बना लेंगे। तीन चैन बना के दो चैन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम पूरे रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो कंप्लीट हो गया। यहाँ हम तीन चैन बना के ये देखिए यहाँ स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर लेंगे। यहाँ तीन चैन बनाएंगे, बगल वाले चैन पर एक डबल क्रोशिया, और यहाँ दो चैन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, दो चैन, फिर दो चैन स्पेस में एक डबल क्रोशिया। अब दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ बीच में हम दो चैन बनाएंगे। फिर देखिए ये सिल्स पे जो दो डबल क्रोशिया है, दोनों पर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब दो चैन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में एक डबल क्रोशिया। अब दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। फिर दो चैन बना लेंगे। इसी तरह डिज़ाइन को रिपीट करते हुए हम डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। पूरी डिज़ाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके आगे बताते हैं कि कैसे बनाना है। ये देखिए हमने सात रो कंप्लीट कर लिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब देखिए ये देखो यहाँ तीसरे चैन से हम येलो ऊन से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम दो रो येलो से बनाएंगे। अब यहाँ हम तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन। अब इसके बगल वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। अब दो चैन स्पेस में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, दो चैन, दो चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, इसी दो चैन स्पेस में बनाना है। अब दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। फिर दो चैन बनाएंगे। अब देखिए ये वाले सेट्स पे हम फिर जो है वही डिज़ाइन सेम वही डालना है। सिर्फ हम येलो रंग लगा दिया हमने दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दो चैन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर दो चैन बनाएंगे, फिर दूसरे वाले सेल्स के ऊपर हम दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, पूरा रो इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए हम इसमें, हाँ इसमें भी स्लिप स्टिच बनाएंगे, दो चैन स्पेस में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ तीन चैन बनाएंगे, यहाँ इसके ऊपर एक सेल से बनेगा, दो डबल, एक डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया। अब तीन चैन बनाएंगे और दो चैन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। डिज़ाइन सेम वही है, सिर्फ हम येलो रंग से दो रो कंप्लीट कर रहे हैं। फिर तीन चैन बनाएंगे, अब इसके ऊपर भी एक सेल्स बना लेंगे, दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया। फिर तीन चैन बनाएंगे और इसमें एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम पूरी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए पूरा रो देखिए ये कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाया, इसको देखिए हमने कितने रो बनाए हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच रो बना के देखिए येलो के बाद हमने पाँच रो बनाया। अब देखिए ये देखिए हमने यहाँ स्लिप स्टिच, यहाँ तक दो चैन स्पेस तक स्लिप स्टिच बना लाए हैं। इसको देखिए यहाँ पर भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब तीन चैन, यहाँ हम चार चैन बनाएंगे, चार चैन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया, चार, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया। देखिए एक चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया। हमें इसमें कुल छः डबल क्रोशिया बनाना है और ये पांच हो गए। देखिए इसमें एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये देखिए कुल हमारे छः डबल क्रोशिया हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः। अब हम यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, ये देखिए दो चैन बनाएंगे और इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे और देखिए ये दो चैन स्पेस में, इस ये दो चैन स्पेस में, फिर सेम वही रिपीट करना है हमें, छः डबल क्रोशिया, एक चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे, फिर ये एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, नहीं छः डबल क्रोशिया हमें रिपीट करना है। एक चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया। ये देखिए छः डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ दो चैन बनाएंगे और ये देखिए ये दो चैन स्पेस में, ये देखिए जो यहाँ पर ये हमने सिंगल क्रोशिया जिसमें बनाते हैं इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर ये देखिए ये दो चैन स्पेस में, इसमें सेम वही रिपीट करना है, छः टाइम बनाना है डबल क्रोशिया, पांच टाइम जो है एक चैन, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया। ये हमारे छः टाइम हो गए। अब इसको हम दो चैन बनाएंगे और देखिए ये दो चैन स्पेस में, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया, पूरा रो इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने ये बनाया पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। ये देखिए पूरा रो कंप्लीट हो गया मेरा, पूरा रो ये कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पर हम जो है इसको एक दो तीन चार चैन बनाया था, हम तीसरे चैन से इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम उनको कट कर देंगे, यहाँ पे नॉट लगा के नहीं पीछे फंसा देंगे। अब देखिए ये देखिए अब यहाँ हम येलो ऊन से, जहाँ से ऊन कट किया था वहीं से हम येलो से बनाएंगे हम। यहाँ पे पहले एक चैन बनाएंगे, अब हम दो चैन बनाएंगे, अब दूसरे, अब जो बगल में डबल क्रोशिया है हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, छह डबल क्रोशिया है तो छह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे। अब ये देखिए ये चैन
चैन के ऊपर, चैन पे नहीं बनाना, हमें डबल क्रोशिया के ऊपर जो चैन है उसमें, उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर जो चैन है उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया के ऊपर जो चैन है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया पे जो चैन है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, छः टाइम ये करना है। अब एक चैन बनाएंगे और जहाँ देखिए ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर जो चैन है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे बगल वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, दो चैन बनाएंगे। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। हमने छः डबल क्रोशिया बनाया है, छः डबल क्रोशिया के ऊपर हमें ये रिपीट करके बनाना है, दो चैन एक सिंगल क्रोशिया, दो चैन। पहले हमने एक चैन एक डबल क्रोशिया बनाया था, अब हम दो चैन एक सिंगल क्रोशिया। अब देखिए सिंगल क्रोशिया, एक चैन बना के एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाएंगे और ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन और इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया वो सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, दो चैन, ये देखिए लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे, ये देखिए ये भी यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया तो इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसको हम पूरा रिपीट करके पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह। ये देखिए रो कंप्लीट हो गया। अब ये जो है एक चैन स्पेस से यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे, एक चैन बना के उसको उनको बड़ा करके यहाँ उनको हम कट कर देंगे, इस उनको पीछे फंसा देंगे। ये देखिए मेरी फ्रॉक पूरी कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को ये फ्रॉक की डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक दें कि आप लोगों को ये डिज़ाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।